भाभी क्या देख रहे हो तुम? बारिश आ गई, चांद आएगा मुश्किल है। बताओ सब लोग आए हो, सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 3:00 मॉर्निंग से, और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि 4 बजे से पहले पहले मैंने नहा धो के एक साइड होना है और मम्मी नीचे सर की तैयार कर रही है। तब तक मैं कपड़े कुपड़े निकाल लेती हूँ अपने, फिर नीचे चलते हैं। चलिए, हमने कपड़े निकाल लिए और ज्योति भी सो रखी है। मैं तो खतरनाक नींद आ रही, पर मैं अब जाती हूँ नीचे, नहातों के बाद देख लूँगी सोने सोने। नींद की जगह ठंड भी लग रही भाई। ये देखो मेरी सर्दी की थाली तैयार हो रही है यहाँ पे। मम्मी सुबह 3 बजे उठ के मिल ले, वीडियो भी बनानी चाहिए। हाँ चल, पूरा को फैसल खींचा चम्मच बहरा और छोटे टुकड़ो दल भाई ना था बढ़ के धन के सर खा रहे हमें ना ना वो भी तलता है घोड़ ले ठंड भी गर्म भी बस। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:42 हो रहे हैं और मैं नहा धो के एक साइड हो गई हूँ। और अब थोड़ी देर मैं पहले बाल बोल सुखाती हूँ और थोड़ा सा जो मेकअप वेकअप होता है, मतलब जो सोलह सिंगार होता है वो करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। देन बत्ती बत्ती तो मैं तब जलाऊँगी जब सूर्य, मतलब सूर्य आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं, पान चढ़ाने के बाद। तो तब तक फिलहाल बाल बुल सुखाते हैं और थोड़ा सा कल की वीडियो रह रखी हो एडिट करते हो, तब तक सवेरे होती है ना। तो चलो, एकदम अंधेरा हो रखा बाहर। कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक लाइट जली हुई है। ज्योति उठ चुकी है और मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब चलते हैं नीचे। देखो मम्मी धूप आ गई, देखो आज पहली बार धूप उधर से आई। अरे सूरज उग जा तो एक प्रकाश ही पढ़ो। अच्छा, यहाँ बादल लगा हुआ ना, वरना धूप यहाँ से आती है, यहाँ से दिखती है, मतलब आगे बादल लगे हुए हमारे घर के आगे, तो वहाँ क्या धूप, उधर पहुँच रही है उसकी किरणें। मैंने नारियल नूर यहाँ चढ़ा दिया है, लोटे में पानी रख दिया, थाली भी अब सजाऊंगी, चीनी वगैरह आ गई है, बस गेहूँ आने बाकी। मेरी थाली तैयार हो चुकी है और एक कलश भी हो चुका है तैयार। और रिज मम्मी के लिए लेके आई थी मैं साड़ी घर में पहनने के लिए, मम्मी ने कहा था ना, और पायल सिंदूर वगैरह जो सिंगार का सारा सामान होता है वो ले आई मैं। और एक साड़ी दादी सास के लिए ये लेके आई। वैसे मुझे खेत में आने से मना कर रखा था मम्मी और उन्होंने, पर मम्मी गाय का आटा घर पे भूल गई थी, इसलिए मुझे खेत जाना पड़ रहा है। अजीब सो रहा है, तो चलते हैं नीचे। दोपहर के तो छन 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 कर रहे हैं ना, थोड़ा सा धूप क्या हुई थोड़ी सी, तो वो हो गया, क्या बोलते, हल गाना स्टार्ट हो गया। तो अब हल लगने जा रखे हैं, मतलब नीचे जा रखे पापा और जा रखे हैं आज। तो चलो मैं अभी जरा उनके दर्शन करके आती हूँ। पता नहीं ये नीचे हमारा खेत है, मुझे तो दिख नहीं रहा कोई, नीचे जाके देखती हूँ जरा। ये ऊपर वाला खेत भी हमारा, ये तो लग गया है पर ये नीचे रह गया अभी, देखते हैं आप पहले है भी कि नहीं है। यहाँ से एक लाइन जा तो रखी है, वो तो चाय पी रहे हैं सारे के सारे। ये काफ़ी बड़ा खेत है ना, तो धीरे लगा रहा है, मुझे लगा उधर दिख नहीं रहे थे ना, यहाँ पर ये दोनों के दोनों सारे के खेत, मम्मी और चाय पी रहे हैं नीचे बैठ के। धीरे धीरे पापा खाना खिला रहे, इनको आटा खिला रहा, आटा जो मैं लेके आई थी ना। चलो मैं तो घर की तरफ निकली और अभी मैंने सूट डाल रखे, लेकिन थोड़ी देर में मैं साड़ी डालूंगी जब पूजा वगैरह होगी हमारी। और अब घर जा ही रही हूँ, तो घर में वैसे भी बोर हो रही हूँ, कुछ काम है नहीं आज, ऊपर कमरे कुमरे साफ़ करने जाते थे वो मैंने कर दिए, झाड़ू वगैरह को तो आज वैसे भी हाथ नहीं लगाना, पोछा पोछा लगाया मैंने वैसे ही। तो थोड़ा सा लाइव आती हूँ, चलो आओ लाइव में सारे,
आपको तो कल दिखेगी ना, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा भी। वैसे आज कुछ काम नहीं करना था, पर 12:30 हो गए यार, टाइम हो गया, काम नहीं भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, और मम्मी और अभी आए ही नहीं खेत से, तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो चलो चाकू वगैरह का काम नहीं करूँगी, बाकी खाना तो बना ही सकती हूँ, क्योंकि दादी भी अकेले अकेले क्या करेंगे, दादी घर में, दादी हैं घर में मतलब ना, फिर करण भी स्कूल जा रखे हैं कामनी भी श्रीनगर में, तो इसलिए मैं खाना बना लेती हूँ जब तक मम्मी और आते हैं, फिर पता नहीं कितने और लेट हो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा ना, वैसे ही थक गए होंगे खेत में हो, तो खाना बना लेती हूँ तब तक, ठीक है। खाना मैंने बना दिया, मम्मा और खाना खा रहे हैं नीचे, मम्मी फिर ताकत लगाना पड़े इस पर, और तब बस मैं ऊपर आ गई, मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं, फ़ोन चार्ज लगाते फिर नीचे जाते हो टीवी देखने के लिए, क्योंकि सो तो सकते हैं नहीं, वैसे भी मुझे नींद आती दिन में ख़तरनाक, और ये साड़ी वेयर करूँगी मैं अभी, ठीक है थोड़ी देर में तो दिखाऊँगी आपको बाद में, पूजा के टाइम पे मतलब तब तक काम नहीं भी आ जाएगी, और फिर मेरी रील्स भी बन जाएंगी और मेरी फ़ोटो खींच जाएगी, देख सकते हो आप लोग मेरा फेस विदाउट मेकअप, और अभी मैं मेकअप करने के बाद दिखाऊंगी आपको, तो बताना कितना चेंज हुआ है और क्या हुआ है। तो अभी मैंने सिर्फ ब्लाउज पहना है और साड़ी ये वाली वेयर करूंगी मैं सबको बता चुकी हूँ पहले ना, तो चलो पहले थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेते हैं, और मेकअप तो आप लोगों ने देख रखा मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तैयार होने के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक हो चुके मैं रेडी, बताना पहले ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आप ठीक लग रहे हो, चलो चलते नीचे पूजा करने के लिए, और पूरा लुक मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ अगर कोई मिलेगा मुझे कैमरा पकड़ने वाला, ठीक है। ये है हमारी मैडम का फाइनल लुक, तो कैसे लग रही है बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे करेंगे पूजा यहाँ पे, और अभी आ रही नहीं पड़ेगी कथा, पूजा हो चुकी है, और अब मैं एक दो रील्स बनाती हूँ, रीदू को देखो भाभी, तो अभी जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और रील्स वगैरह बनाते हैं, फिर देख लेना आप लोग इंस्टाग्राम में जाके, बाकी रील्स वगैरह हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है देख सकते हैं आप लोग, और अभी फिर अभी तो मैंने ये आउटफिट आपको दिखा दिया था अपना है ना, थोड़ी देर में मैं डालूंगी लहंगा जो मेरी मैरिज का लहंगा है, मतलब जो शादी वाला लहंगा है वो डालूंगी रात को जब फास्ट खोलूंगी, अभी चांद का पता नहीं, चांद तो काफ़ी लेट आएगा 11 बजे तक आएगा, तो फिर उस टाइम पर होंगे बताया, अभी फिलहाल मैंने ये डाल रखा है, लुक वेयर कर रखा है, हमारा पहाड़ी लुक है ऐसे बोल सकते हैं। अब हमारा करवा चौथ तो हो ही रहा है, अब उम्मीद बस यही है कि अगले साल इसका भी आ जाए मैडम का, और बस इसकी शादी अभी नहीं, अगले साल नहीं आएगा, अभी इसकी शादी के लड़का ढूंढ रहे हैं हम इसकी, तो अगर इसको मेरे वीडियो में देखना अगर जन्म पत्री भेज दो तो इसके लिए भी भेज दो, जन्म पत्री का सिलसिला चल रहा है आजकल हमारे गाँव में, वही तो अब तूफान चलने लग गया खतरनाक, कितनी हवा चल रही है पता नहीं, अब चांद आएगा कि नहीं आएगा, मौसम देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया यहाँ पे, भाभी क्या देख रहे हो तुम, बारिश आ गई, चांद आएगा मुश्किल है, मौसम बहुत ही खराब हो रखा है, और चांद का तो भी पता नहीं कितने बजे तक आएगा, आज 12-1 बजे तक चक्कर आ रहा है मुझे, उनकी तो बेहोश हो जाएगी रे। सो गाइस मैं दोबारा रेडी हो चुकी हूँ चांद के इंतजार में, और अब मैंने ये लहंगा वेयर कर लिया, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी अगर काम नहीं ऊपर आएगी जब तब दिखाऊंगी पूरा, तब तक मैं चूड़ा पहन लेती हूँ, ठीक है। ये लो चूड़ा भी डाल दिया, अब तो अब पता नहीं चांद कब तक आएगा, और आज चांद का आना मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी बहुत तेज थोड़ी देर पहले ही, और तब तक थोड़ी देर लाइव आ जाती हूँ, जब तक चांद आता है तब तक टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा है ना, तो चलो आज वो लाइव में गाइस चांद आ चुका है देख सकते हो आप लोग, और मेरी थाली यहाँ पे तैयार है, एक बार मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से, ले कौन पकड़, और थाली तैयार हो चुकी है,
पहले जड़ चढ़ा लेते, जड़ चढ़ा लेते पहले चंदा मामा जी को। अब तो रूम है वो की बैठो नहीं है। एक बार पूरा दिखाओ अपने आपको। पहले चांद देखते दिखा तुझे। पानी तो पिलाओ मुझे, पानी तो पिलाओ, हाथ लगाओ, हाथ दो, हाथ बस 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 इतना बड़ा मुंह नहीं, मुझे खिलाओ, हाथ करो। पिलाएं पानी बस समाप्त हो गया। मुझे मत निकाल करना पूरा भाई, ये लो मैं रंजी रहूं। सुधा सुबह कर रहा हूँ, सुधा सुबह कर रहा हूँ दादी के लिए। हमें पानी तो पिलाओ मुझे। ये पानी पिलाओ, पिलाओ, पिलाओ यार। तू ग्लास लो लिया, घूमने आ गए हैं। लुटा लो तुम, घूमना घूमना। दादी आप पिलाओ, दादी ने आशीर्वाद लो पहले। चलो पहले पहले दादी से वाला का। अब तो पिलाओ, बड़ा हो गया। अब मैं बहुत जवान हो गई हूँ, मुझे बहुत जवान हो रहा। दादी के नीचे मैं सारा ढक के आई थी नीचे, अब देना से नवा दादी को दे दी मैंने। अब फोटो खींच दे, अब फोटो खींच कर लो चल। नहीं नहीं पांच हमारे करवा चौथ की पूजा भी समाप्त हो चुकी है, चांद दिख रहे हैं, राहुल दिख रहे हैं। से हाय दुगु, हाय करो। नेटवर्क नहीं आ रहे ढंग से, नहीं आ रहे, बंद दिखाऊंगा आपको। तो अभी चांद दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हो आप, नेटी बड़ी मुश्किल से चल रहा है इसमें। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, पहले एक दो रील्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जाएंगे खाना खाने। और ये हमारी मैडम जी रील्स की तैयारी करते हुए। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खाना खाते हुए। भाभी चांद आने की खुशी बताओ। हमारे छोले पूरी नारियल और हलवा भी है, हलवा। तो मीठे से करते हैं शुरुआत, हलवा वाले। तो गाइस खाना हमारा हो चुका है और मैं रूम में आ चुकी हूँ ऊपर, और आज बहुत ठंड लग रही भाई। तो कमरे की हालत देख सकते हो आप लोग, बहुत खतरनाक हो रखी है। तभी करूँगी इसको सेटअप भी करूँगी आराम से। तो मेरे हस्बैंड में साथ थे नहीं अभी,
क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, इस वजह से हम साथ में नहीं थे इस करवा चौथ में। मतलब नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आई होप हम साथ में हों, क्योंकि मेरा ये फोर्थ करवा चौथ है शादी, मतलब शादी से पहले से स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो, पर अभी तक हम एक बार साथ में नहीं है करवा चौथ में। फिर से कोई बात नहीं, बट खुशी इस चीज़ की है कि चल मेरे चांद किसी और की चांदों की रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे। तो आज का व्लॉग करेंगे वहीं पे समाप्त। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। तो फिर से मिलेंगे हम कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अब तक ठीक है, ध्यान रखना अपने सारे, और अगेन हैप्पी करवा चौथ। आई होप आपका करवा चौथ अच्छा बीता होगा। बाय।